आलोक शर्मा जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। 1 महीने का वक्त मिला है, राहुल गांधी को अपना बंगला खाली करना होगा नियम के हिसाब से। आलोक शर्मा जी, देखिए चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से नियमों का पालन करती आई है और मुझे लगता है कि कोई भी नियम होगा तो कांग्रेस पार्टी उसका पालन करेगी। 1 महीना हो, 10 दिन हो, 2 महीने हो, जो भी समय होगा हम उसका पालन करेंगे। जो भी संवैधानिक प्रक्रिया होगी हम उसका सहयोग करेंगे। जो भी जिस भी रूप में हमारा जो भी अधिकार होगा, न्यायिक तौर पर, अदालत के तौर पर, प्रशासन के तौर पर, संविधान के तौर पर, हम उसको भी देखेंगे और साथ के साथ जो भी प्रक्रिया होगी हम उसके साथ खड़े होंगे सरकार के। आप ये कह रहे हैं कि आप सरकार के साथ खड़े होंगे, यानी कि क्या ये माना जा सकता है कि राहुल गांधी 1 महीने के भीतर अपना बंगला खाली कर देंगे? क्योंकि जब से राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया है उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर हमलावर है, लोकतंत्र खत्म होने की बात कह रही है। आज भी हमने देखा काले कपड़े में किस तरह से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन दिन भर चलता रहा। तो आपको लग रहा है कि कम से कम नियम के तहत ही हो रहा है, अब राहुल गांधी सांसद नहीं रहे इस वजह से उनको बंगला खाली करना होगा? आलोक जी, देखिए आज राहुल गांधी जी सांसद नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनको किस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से और किस तरह से एक गलत न्यायिक प्रक्रिया के तहत हटाया गया वो भी देश के सामने है। हम अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत लड़ाई लड़ेंगे और जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी कानून होगा, सरकार से मेरा तात्पर्य केवल कानून से है कि जो भी नियम होगा हम उसके अनुसार चलेंगे। अगर एक न्यायालय ने हमें कुछ कहा है, हमारा जो अपील का अधिकार है हम अपील में जाएंगे, अपील से आगे बढ़ेंगे हम। लेकिन ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से संवैधानिक जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनको तार तार करके और जिस तरह से हिटलर शाही चलाते हुए आज देश के अंदर जो हो रहा है, आज पूरा विपक्ष जिस तरह से काले कपड़े पहनकर और विरोध कर रहा है, हमें तो चाहिए कि आज पूरे देश में ये बीजेपी वालों को पोस्टर लगा देना चाहिए कि अडानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब बहुत बड़े हिंदू धर्म के संत रहे हैं और श्री श्री 1008 रहे हैं, इनके सबको पूजा करनी चाहिए। आज लोकतंत्र जिस अवस्था में चला गया है, आप इतनी प्रचंड बहुमत वाली राकेश सरकार चला त्रिपाठी रहे जी, हैं। सीधे आपके पास आते हुए, ये राहुल गांधी के मामले में कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही है? मतलब सरकार की ओर से अगर कोर्ट ने उन्हें 1 महीने का समय दिया था ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए, तो पहले तो लोकसभा सदस्यता उनकी हटा दी जाती है, उसके बाद अब तुरंत बंगला भी खाली करो। एक एक परसेप्शन तो यही बनेगा ना कि राहुल गांधी के मामले को लेकर सरकार बहुत जल्दबाजी दिखाती हुई नजर आ रही है। देखिए चित्रा जी, आपके इस चैनल पर बैठ करके अभी आलोक शर्मा ने एक बात कही है, वो बात कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बात का स्पष्टीकरण जरूर हो जाए कि आपके इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके न्यायालय की गरिमा का अगर कोई अपमान करे तो ये तरीका ठीक नहीं है। उन्होंने जिस तरह से कहा कि गलत न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अलोकतांत्रिक तरीके से गलत ढंग से राहुल गांधी को सजा दी गई है, गलत ढंग से राहुल गांधी को सांसद पद से हटाया गया। सच्चाई ये है कि कोर्ट बिलों ने पूरी प्रक्रिया का पालन किया है, पूरी तरह से ट्रायल हुआ है, पूरा पक्ष इनका दिखा गया है, पूरे तर्क हुए हैं, पूरी दलीलें दी गई हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी के भीतर तलाशना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के जो काबिल वकील हैं उन काबिल वकीलों ने क्या लापरवाही बरती है, क्यों राहुल गांधी की सदस्यता जाने के लिए उन्होंने आज ये वातावरण उत्पन्न होने दिया और अब तक क्यों अपील नहीं की गई। यानी पवन खेड़ा उनके प्रवक्ता 15 मिनट के भीतर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं और आदेश लेकर के चले आते हैं पवन खेड़ा को बचाने के लिए, लेकिन राहुल गांधी को बचाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के जो बड़े भारी भरकम वकील है ये क्यों नहीं पहुंचे? यहाँ पर जितने भी लोग अपनी राय रखते हैं वो उनकी व्यक्तिगत राय होती है, चैनल से कोई लेना देना नहीं होता है। वैसे भी मीडिया तमाम पक्षों को सिर्फ दिखाता है, उसकी यही जिम्मेदारी होती है। हम किसी के भी साथ, किसी की विचारधारा के साथ और किसी के भी समर्थन में यहाँ पर खड़े नहीं है, ये बातें तो पहले से ही क्लियर है। लेकिन यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया राकेश जी, क्या जल्दबाजी नहीं कर रही है सरकार राहुल गांधी के मामले में? मैंने सीधा सा ये सवाल पूछा था, इतिहास में हम बाद में जाएंगे। बिल्कुल नहीं कर रही है। आवास समिति के अपना एक प्रोसीजर होता है, ये तो राहुल गांधी को स्वयं स्वतः जब वो अयोग्य घोषित हो गए हैं तो उनको अपना आवास खाली कर देना चाहिए, और वो नहीं खाली करेंगे तो जो आवास समिति के नियम है उन नियमों का पालन नहीं होगा क्या? क्या देश में राहुल गांधी नियम कानूनों से परे चलेंगे क्या? वो आवास समिति के जो सामान्य नियम है जो सबके लिए फॉलो किए जाते हैं वही नियम उनके लिए भी फॉलो किया जाएगा? अगर लगता है कि राहुल गांधी को आवास खाली करने में समस्या है किसी प्रकार की तो वो अपना रिप्रेजेंटेशन आवास समिति के सामने रखे कि हमको कुछ और मोहलत चाहिए, कुछ और समय चाहिए, ये तो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, वो सांसद नहीं है। आलोक शर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए,
चूंकि आप ही के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की ओर से, जो इसी उत्तर प्रदेश से आते हैं जहां पर इस वक्त मैं खड़ी हूं, उनकी ओर से ये बयान दिया गया है कि राहुल गांधी की पृष्ठभूमि को, उनके गांधी परिवार को देखते हुए सजा का ऐलान कम होना चाहिए था, उनके साथ कोई गलत, बहुत गलत हो गया, तो अब न्यायालय या फिर कोई भी जो लोकसभा की अपनी कमेटी है वो ये देखकर फैसला तो देती नहीं है कौन बहुत ज्यादा खास है कौन आम है, तो जो नियम है उसके तहत, तो फिर उसको लोकतंत्र खत्म होना, लोकतंत्र का हनन होना, इस बात को लेकर क्यों आगे बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी जब नियम के तहत हो रही है कार्रवाई? तो 2019 का केस था, हमें तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है कि शायद पिछले जज ने जिस तरह से बीजेपी के जो जिन पेटिशनर थे, मोदी साहब वैसे तो बनिए हैं वो, उन्होंने अपने उसमें भी कहा है एफिडेविट में भी, लेकिन ओबीसी के रखवाले बन के जो बैठे थे उन्होंने शायद उन जज साहब के ऊपर विश्वास नहीं किया और उन्होंने हाईकोर्ट में स्टे के लिए लगाया और जैसे ही दूसरे जज साहब आए तो स्टे हटा लिया गया। इधर अडानी का मैटर आता है, मतलब संयोग है, प्रयोग है, क्या है पता नहीं है कि 1 से 1.5 महीने में सारी चीजें हो जाती हैं। मेरे छोटे भाई राकेश त्रिपाठी कह रहे थे कि सारे आर्ग्यूमेंट हुए, केवल एक डेट लगी है राकेश जी इसके अंदर, 8 मार्च की, और दूसरी डेट पर फैसला सुना दिया गया है। आप केवल ये बताइए नरोत्तम मिश्रा को कितने साल की सजा हुई थी, जो आज आपके गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, 3 साल की सजा हुई थी, क्या ये ऐसा नहीं था? आप भूपेंद्र चुड़ासमा एक इनके शिक्षा मंत्री थे मध्य प्रदेश, सॉरी गुजरात के अंदर, उनको अयोग्य ठहरा दिया हाईकोर्ट ने, लेकिन 5 साल पूरा काट के चले गए, यहां से स्टे वहां से स्टे सुप्रीम कोर्ट से स्टे, उनको हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया था हाई कोर्ट ने, लेकिन वो एजुकेशन मिनिस्टर है। मैं फिर कहूंगा, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कई ऐसे बीजेपी के नेता और विधायक हैं, आप बोलेंगे तो उनका नाम भी मैं बता दूंगी, जिनको अयोग्य घोषित किया गया है विधायकी के मामले में, कई ऐसे लोग हैं सर। नहीं, ये गलत तथ्य रख रहे हैं चित्रा जी, मैं केवल फिर एक बात कहूंगा, हार्दिक पटेल के ऊपर 25 केस थे और उसमें से देशद्रोह का भी था, उस देशद्रोह के केस को हटाने में भी जल्दबाजी थी। हाईकोर्ट में जाकर कहते हैं आप, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे यही दलील लेकर के वकील के तौर पर जाते तो शायद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको रिलीफ दे देती, लेकिन आप हाईकोर्ट नहीं जाना चाहते, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते।